वेलकम टू माय चैनल तरतीस रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारे मुंबई के नजदीक आया हुआ भिवंडी सिटी का स्पेशलिटी, बहुत ही स्पेशल है उधर का, हम बनाने जा रहे हैं आज चूरी पापड़, जो स्पेशली भिवंडी में मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। सबसे पहले हमें लगेगा रोस्ट किया हुआ उड़द का पापड़। ये मैंने 6 पापड़ लिया है, जिसे मैंने सिंपल रोस्ट कर लिया है। उसके साथ है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। पाव भाजी मसाला है आधा चम्मच। नमक है 1/4 टेबल स्पून, आपके स्वाद के अनुसार नमक पापड़ में भी रहता है, और हम इसे बनाएंगे बटर में, तो बटर में भी नमक रहेगा, तो नमक आप ध्यान से डालिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कढ़ाई में बटर को मेल्ट करते हैं। चूरी पापड़ बनाने के लिए फ्रेंड्स, हो सके उतना चौड़ा बर्तन लीजिए, ताकि अच्छे से आप मिक्स कर सके। उसके साथ हम ऐड करेंगे बटर। जैसे ही बटर मेल्ट होता है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 सा पहले लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें ऐड करेंगे हम पापड़ का चूरा। बहुत बारीक नहीं करना है हमें, थोड़ा मोटा मोटा ही पापड़ का चूरा ऐड करना है, और उसे अच्छे से बटर में कोट कर लेंगे। अच्छे से फ्रेंड्स, बटर जो है वो पापड़ को कोट हो चुका है। उसके अंदर बाकी का पाव भाजी मसाला और रेड चिली पाउडर, हल्का सा नमक और थोड़ा चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा चूरी पापड़। एकदम ही लो फ्लेम पे इसे आप पकाइए, ताकि जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए। तो बस इसे हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा चूरी पापड़, एकदम ही चटपटा, एकदम ही डिलीशियस। इसको आप टमाटर और ऑनियन की कचुंबर के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा खाने का, हल्का सा स्पाइसी और पाव भाजी फ्लेवर का। फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद मुझे बताइए आपके एक्सपीरियंस। प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल तरतीस रेसिपी, और प्लीज बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए।